आज हम धन और धर्म के महत्व को समझते हैं। कहते हैं कि अगर मनुष्य सृष्टि में ऐश्वर्य युक्त, बल युक्त, शोभा युक्त जीवन चाहता है तो धन की सत्ता आवश्यक है। इसलिए जिन लोगों के पास, जिन पुरुषों के पास ऐश्वर्य युक्त, बल युक्त, शोभा युक्त जीवन है तो उसे उन्हें परमात्मा का आशीर्वाद समझना चाहिए। धन और धर्म का गहरा संबंध है। धर्म के आधार पर सृष्टि टिकी हुई है और धन हमारी भौतिक आवश्यकताओं का आधार है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमें 10% दान का सूत्र दिया है। अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक धन है, आवश्यकता से अधिक धन सामाजिक कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग होना चाहिए। अगर हमारे पास धन की सत्ता बहुत अधिक भी है या कोई और सत्ता हमारे हाथ में है, तब भी हमें अपना जीवन संयमित रूप से ही जीना चाहिए। अपने वाणी और व्यवहार पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि कुदरत हमेशा ही परिवर्तन चाहती है। कोई भी सत्ता कुदरत या प्रकृति एक हाथ में नहीं देना चाहती। अगर कुछ समय के लिए एक पुरुष के हाथ में कोई भी सत्ता है तो उसमें परिवर्तित होगा, वे किसी अन्य हाथ में चली जाएगी। इसलिए हमें अपने आप को विशिष्ट मानने, ये बहुत ज़्यादा बलशाली मानने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना सामान्य जीवन ही जीना चाहिए। धन कमाना कोई लोभ लालच नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। परिवार को, सोसाइटी को, देश को पॉवर्टी लेस बनाने के लिए भी धन आवश्यक है। हमारी अपनी प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए भी धन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपना वर्चस्व अपने ऊपर चाहते हैं तब भी धन आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम धन नहीं कमाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ धनी लोगों का वर्चस्व होगा। वर्चस्व का अर्थ हम यहाँ पावर से लेते हैं, दबदबा से लेते हैं। ये वर्चस्व आर्थिक रूप का भी हो सकता है, वैचारिक रूप का भी हो सकता है, व्यवहारिक रूप का भी हो सकता है। इसलिए अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करें, धन कमाएं। धन कमाना कोई लोभ लालच नहीं है, पर हमारे पास छल से कमाया हुआ धन नहीं होना चाहिए। यहाँ हम उदाहरण लेते हैं महाभारत से। महाभारत में कौरवों ने पांडवों का छल से राज्य छीन लिया और उनके बीच में युद्ध हुआ। पांडव विजय रहे और कौरवों का अंत हो गया। इसलिए हमारे पास हमेशा ही धर्म से कमाया हुआ धन होना चाहिए। कहावत भी है कि अगर परिवार से या गांव से धर्म चला जाए तो वे परिवार और गांव पतन की ओर अग्रसर होते हैं। अगर कहते हैं सृष्टि से धर्म का लोप होना शुरू हो जाए तो सृष्टि में भी छोटे मोटे प्रलय आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा भी जब भी हम धन का अर्न करें या जब भी हम धन कमाएं तो दूसरों के हितों का ध्यान रखें और छल अधर्म द्वारा धन नहीं कमाएं। अगर हमारे पास धन संग्रहित भी है तो वो अधर्म और अनीति में नहीं लगना चाहिए। इसलिए धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पर आवश्यकता इस बात की है कि धन सही तरीकों द्वारा कमाया जाना चाहिए और उसका प्रयोग भी सही होना चाहिए, मानवता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।